आज के लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स का स्वागत। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का टॉपिक हमारा उसी टॉपिक मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है। इसका फिफ्थ वीडियो मैं बना रही हूँ, अभी ये आर्टिकल हमारा कंटिन्यू है। हम बात करेंगे आज सी प्लस सी प्लस डी सी चाल के चाल रेंज में अणुओं की संख्या। इससे ज्ञात करने के लिए सी प्लस डी सी त्रिज्या के दो सहकेंद्रीय गोले बनाते हैं। इन गोलों के बीच स्फेरिकल सेल का आयतन 4 पाई सी स्क्वायर डी सी होता है। अतः इक्वेशन 14 से आयतन अल्पांश डी यू डी वी डी डब्ल्यू के स्थान पर 4 पाई सी स्क्वायर डी सी रखेंगे। यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 14 में हम अगर ये चीज़ चेंज करते हैं तो ये हमारे पास सी प्लस डी सी चाल के बीच में जितने अणु मौजूद हैं उनकी संख्या आ रही है। डी एन इज इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। इक्वेशन 21 ये आपको मैंने बताया हुआ है। ये दो गोले जिनकी त्रिज्या सी एन सी प्लस डी सी के बीच में है, उसके बीच का इस सेकेंडरी जो स्फेयर है इनके बीच के वॉल्यूम की बात हमने की थी 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। समीकरण 15 को मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण कहते हैं। यह समीकरण सी प्लस डी सी चाल के बीच अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है, चाहे इन अणुओं की दिशा कुछ भी हो। समीकरण 12 और 13 से मान रखने पर इसे निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। डी एन इज इक्वल्स टू 4 पाई एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी। समीकरण 22 के अनुसार किसी अणु की चाल सी व सी प्लस डी सी के बीच होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता एफ सी डी सी के द्वारा दी जाती है, विच इज़ डी एन अपॉन एन। इक्वेशन 22 से आप डी एन अपॉन एन कर लीजिए तो आपके पास एफ सी डी सी यानी प्रायिकता की वैल्यू आ रही है 4 पाई ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी। इक्वेशन 23 के द्वारा हम प्रायिकता की वैल्यू देते हैं। हम एक फिगर की बात कर रहे हैं जिसमें अणुओं की चाल का वितरण 80 के और 800 डिग्री के तापों पर प्रदर्शित है। इसमें एक्स अक्ष में अणुओं की चाल, वाई अक्ष में इकाई चाल रेंज में अणुओं की संख्या डी एन बाय डी सी प्रदर्शित है। 800 डिग्री केल्विन ताप पर चाल रेंज सी प्लस डी सी ऑक्सीजन अणुओं का 80 डिग्री के पर चाल वितरण के बीच अणुओं की संख्या छायांकित क्षेत्रफल द्वारा दर्शाई जा रही है। इन्हीं वक्रों से स्पष्ट होता है कि एक विशिष्ट चाल के अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। इस चाल को अधिकतम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सीपी कहते हैं। 80 डिग्री केल्विन ताप पर यह बिंदु पी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उन वक्रों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर अणु इस अधिकतम संभावित चाल के दोनों ओर वितरित रहते हैं। ये चित्र देखिए आप, 80 डिग्री के पे और 800 डिग्री के पर चित्र बना रखे हैं, जिसमें ये स्ट्रिप जो है आपका वो सी प्लस डी सी के बीच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में सूचना दे रहा है 800 डिग्री केल्विन पे, और इसी तरह से 80 डिग्री केल्विन पे भी ये सूचना आपको मिलेगी। ठीक है, ये है आपका सीपी, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्पीड आपको मिल रही है। इक्वेशन 21 से स्पष्ट है कि अणु की चाल का वितरण उस गैस के अणुओं के द्रव्यमान और गैस के ताप का फलन होता है।
आपको इक्वेशन 21 याद है तो आप उससे आप देख के इजीली बता पाएंगे कि ये अणुओं के मास और गैस के ताप का फलन होता है। टेम्परेचर संबंधी टर्म भी आ रही है टी और मास भी आ रहा है। किसी गैस के अणुओं का द्रव्यमान जितना कम होता है नियत ताप पर उस गैस के उच्च वेगों वाले अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होती है। आइए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डी और डी डैश एक ही धुरी एस दूरी पर लगी हुई दो डिस्क हैं। इसमें खांचे बने होते हैं। दोनों खांचों में थीटा कोण का अंतर होता है। ये डिस्क दिखाई दे रही है आपको डी एंड डी डैश, इनके बीच में खांचे बने हुए हैं। इन दोनों खांचों के बीच में थीटा कोण का अंतर है। ये गैस चैम्बर है, इफ्यूजिंग बीम यहाँ से मिल रही है आपको, कॉलिमलेटेड बीम यहाँ पर है, ये कॉलिमलेटिंग स्लिट है, ये वेलोसिटी सेलेक्टेड बीम है और ये डिटेक्टर है। डिस्क जो है इनके बीच की दूरी एस है और ये रोटेटिंग डिस्क है। गैस के पात्र के छिद्र के सामने एक सीध में रखी दो स्लिट में से होकर निकलने वाले गैस अणु एक पुंज के रूप में डिस्क डी पर आपतित होते हैं। अब दोनों डिस्क को एक निश्चित कोणीय वेग से घुमाया जाता है जिससे गैस अणु डिस्क डी के खांचे से होकर पार होते हैं एवं डिस्क डी डैश पर आपतित होते हैं। डिस्क डी के खांचे में से होकर केवल वे ही अणु पार होते हैं जिनको एस दूरी चलने में लगा समय डिस्क को थीटा घुमाने में लगे समय के बराबर होता है। टी बराबर एस अपॉन वी बराबर थीटा अपॉन डब्ल्यू ओमेगा, वी बराबर एस ओमेगा अपॉन थीटा इक्वेशन वन। डिटेक्टर में केवल वी वेग के अणु ही पहुंचते हैं जिनका वेग समीकरण एक के अनुसार होता है। समीकरण एक से ओमेगा अथवा थीटा का मान बदलने पर विभिन्न वेगों के अणु संसूचक में प्राप्त होते हैं, डिटेक्टर में प्राप्त होते हैं। इस तरह विभिन्न वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। ये प्रायोगिक मान मैक्सवेल के वेग वितरण के नियम को संपादित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट ई लेक्चर में अभी ये यूनिट हमारा कंटिन्यू है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।